हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। ये वीडियो मैंने क्या सोच के बनाई, इसका इंस्पिरेशन कहां से मिला मुझको। मैं आराम से घर पे बैठ के डिस्कवरी देख रहा था और तभी उस पे एक स्पाइडर अपना जाल बुन रहा था। वैसे तो कुछ ध्यान देने वाली बात तो है नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे ध्यान लग गया। बस थोड़ी ही देर के बाद मैंने रियलाइज किया कि ये अपने वेब्स कहां से निकाल रहा है। मैं और ध्यान लगा के देख ही रहा था कि तभी बेयर भैया ने स्पाइडर को खा लिया। तब क्या, अब टीवी तो बताने से रहा कुछ। और तभी मैंने सोचा कि अगर नेचुरली बात करें तो स्पाइडरमैन के वेब्स कहां से निकलने चाहिए। तुम भी जानते हो, अगर ऐसा होता तो कोई भी बाप अपने बच्चे को कॉमिक नहीं पढ़ने देता। तो अब जो ये स्पाइडी के वेब शूटर्स हैं, ये बने कब, ये बने कैसे हैं, और मेन मुद्दा ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि टोबी जी वाले स्पाइडर के वेब्स को तो समझ नहीं सकते। इट्स ऑल नेचुरल, बिलीव ही नहीं होता कि ये इनके हाथ से निकलने हैं, निकलना कहीं और चाहिए। वेब शूटर्स का तो थोड़ा सा समझ सकते हैं कि चलो फ्यूचर की साइंस में कुछ कर लेंगे इसका, लेकिन इसका क्या। बाय द वे, नो ऑफेंस, आई लव टोबी स्पाइडरमैन 2। इसको समझने से पहले थोड़ी वेब शूटर्स की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। इन वेब शूटर्स को हमने सबसे पहले स्पाइडरमैन की ही ओरिजिन 1962 की द अमेजिंग फैंटेसी कॉमिक इशू 15 में देखा था, जहां स्पाइडरमैन को किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया होता है, उसे पावर्स मिलती हैं, फिर दंगल लड़ने जाता है और आगे घर आके अपने वेब शूटर्स और अपने सूट पे काम करने लगता है। और पीटर साहब तो रहे अपने किताबी कीड़ा, तो उन्हें एक्सपर्टीज है अप्लाइड साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स की फील्ड्स में। और जब उन्होंने अपने ये वेब शूटर्स बनाए तो वो अभी भी हाई स्कूल में ही थे। और मैं यहाँ चूतिया वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ये बने कब और काम कैसे करते हैं। तो जैसे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि स्पाइडरमैन की ओरिजिन कॉमिक में ही इसका जन्म हुआ था, लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा और ब्रॉड वे में जानना है तो हमें 1964 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल कॉमिक इशू 1 में आना होगा, जहां उस कॉमिक में बताया गया है कि पूरी दुनिया में पीटर ही ऐसा शख्स है जो स्पाइडर के वेब्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है। जनरली स्पाइडी अपने वर्क को प्राइवेट रखता है, लेकिन कई लोगों को इसके फॉर्मूले के बारे में पता है, जैसे कि टोनी स्टार्क और मिस्टर फैंटास्टिक को, क्योंकि रीड रिचर्ड्स को जानना था कि ये मटेरियल कितने लिमिट तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है। और एक बार तो इसने बस प्यार के नाते वेब शूटर्स एमजे को दे दिए थे, दे 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 तेरा भी कटेगा। तो रियल स्पाइडर्स के स्पिनरेट्स जैसे काम करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी स्पिनरेट्स मैकेनिज्म के बेसिस पे दोनों वेब शूटर्स बने हैं। तो दोनों ब्रिसलेट्स में स्पेसिफिकली वेब फ्लूइड वाले मैग्नेटिक कार्टेजेस प्लेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से पीटर को हेल्प मिलती है उन्हें बार बार रिफिल करके यूज करने में। लेकिन कई बार जल्दबाजी में पीटर उन्हें रिफिल करना भूल जाता है, अभी भी इंसान है ना, भूल जाता है। और इसी का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दी अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक इशू 2 में देखने को मिलेगा, जहां स्पाइडी जल्दबाजी में वल्चर से लड़ने पहुंच जाता है। वल्चर इन्हें ले लपेट कर टंकी में डाल देते हैं और वहां उन्हें पता चलता है, ओ गुरु, माल तो खत्म हो गया। और फिर घर आके ये और रिसर्च करते हैं और तब ये बनाते हैं स्पाइडर बेल्ट, जिसमें एडिशनल और तरह तरह के वेब फ्लूइड्स रखे होते हैं, जिसको पीटर लड़ाई के दौरान कभी भी यूज कर सकता है। उस बेल्ट में वो एक मिनिएचर कैमरा भी लगा देता है पैसे कमाने के लिए, तब तो तस्वीरें ही ना बेचता था। और फिर उसी कहानी में कहा गया है कि जैसे जैसे स्पाइडी अपने वेब शूटर्स के नोजल को इजी मोशन में एडजस्ट करता है, वो ओरिजिनली 3 डिफरेंट वे में वेब फ्लूइड्स इजेक्ट कर सकता है। पहले तो काफी मजबूत रस्सी की तरह उसे निकाल सकता है, दूसरा स्प्रेडिंग स्प्रे की तरह उसे बाहर निकाल सकता है, तीसरा बहुत ही थिक एडहेसिव यानी कि ग्लू या गोंद की तरह भी यूज कर सकता है। और ये सारी खूबियां स्पाइडरमैन को अपने वेब शूटर के सुपर सेंसिटिव इलेक्ट्रोड को बस एक फिंगर से टच करके यूज कर पाता है, जो उसके पाम यानी हाथ के पंजे पे लोकेटेड होती हैं। लेकिन एक बात और सोचने वाली है कि स्पाइडी फाइट्स के दौरान मुट्ठियां तो बनाता ही है, अबे गंदे आदमी, फिस्ट, या फिर कभी कोई सामान तो उठा के ले ही जाता होगा, तो उसके वेब शूटर्स कभी मिस फायर क्यों नहीं कर देते। सीरियस प्रॉब्लम है लेकिन छोटी है, क्योंकि हम उस कहानी की बात कर रहे हैं जहां एक मकड़ी ने एक बच्चे को काट लिया और उसे सुपर पावर्स मिल गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पाइडी बस जस्ट 2 बार प्रेस करता है शूटर्स को और ट्रिगर करके उन्हें स्टैंड बाय मोड में भी डाल सकता है। हमने कहानियों में कई बार देखा कि स्पाइडी अपने वेब से क्या क्या कर सकता है, लेकिन एक कॉमिक का भी रिकैप ले लेते हैं। ये तो पता ही है कि स्पाइडी अपने स्ट्रिंग से कितना एक्यूरेट है, और वो उस वेब शूटर से एक शील्ड भी बना सकता है, एक पैराशूट भी बना सकता है, और एक सेफ्टी नेट, बैरियर, ग्लव, बॉल, ग्लू सरफेस, और यहाँ तक कि पानी में तैरने वाली राफ्ट और बर्फ में स्लाइड करने वाली स्कीज भी बना सकता है। अरे मैं बोलता हूँ, रुक क्यों गए, और बनाए होते, इतना सब कुछ बना दिया है तो एक कॉन्डम भी बना दिया होता, लोग इसी को यूज करते, सेफ्टी इज एवरीबॉडीज बिजनेस। अब शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि स्पाइडी के वेब फ्लूइड्स क्या हैं। स्पाइडी के वेब फ्लूइड एक बहुत ही शीर थिनिंग लिक्विड है, जिसका एग्जैक्ट फॉर्मूला अभी अननोन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नायलॉन से रिलेटेड भी है। ये फॉर्मूला एयर के कांटेक्ट में आने से एक लंबी पॉल्यूमर चेन में चेंज हो जाता है, और फिर ये एक्सट्रीमली टफ, फ्लेक्सिबल भी बन जाता है अपनी ग्लूई प्रॉपर्टीज के साथ। इवन दो समय के साथ एयर के कॉन्टैक्ट में रहने से वेब अपने आप वैनिश यानी गायब भी हो जाता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि पीटर के पास कुछ स्पेशलाइज्ड वेब कार्टेजेस भी हैं, जैसे कि ग्रेनेड वेब, आइस वेब, एसिड वेब, टेजर वेब, मैग्नेटिक वेब, फ्लेम वेब, एक्सपैंडमिक वेब फोम और क्विक ड्राई वेब सीमेंट।
इनके बारे में कुछ ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं लगी। अब सिंपल स्ट्रेट नाम है तो देखिए कि समझ में आ जा रहा है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ छूट गया हो इन वेब शूटर्स और फ्लूइड्स के बारे में। तो इसके बारे में अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट्स में उसके बारे में जरूर मेंशन करिए। और अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मारो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब मारो इस चैनल को, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर भी कर देना। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुंह नहीं जाना है। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।